नमस्ते दोस्तों हो, मैं हूँ देवीदास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठाकुर है। दोस्तों हो, आज के वीडियो का विषय है रेल कर्मचारी HRMS में अपना एड्रेस कैसे बदले। तो दोस्तों हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों हो, चलते हैं HRMS के स्क्रीन पर और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों हो, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैंने बताया है रेल कर्मचारी HRMS में अपना एड्रेस कैसे चेंज करें। तो दोस्तों हो, एड्रेस चेंज करने का काम हम लोग गूगल क्रोम से करने वाले हैं, ऐप से नहीं करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है, अपना HRMS ID पासवर्ड और OTP डाल देना है और लॉगिन हो जाना है। तो इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में ऊपर में या जो 3 लाइन दिख रही है यहाँ पर एरो होता है, तो मैंने क्लिक कर दिया इसलिए इस तरह का डैशबोर्ड खुल गया। तो आपको भी क्लिक कर देना है तो इस तरह का डैशबोर्ड आपको पेज मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे IRHRMS ESS V3। तो दोस्तों आपको एड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ पर जो V3 लिखा है ESS का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, व्यू एंड एडिट माय डिटेल्स के ऑप्शन में चले जाना है। दोस्तों हो, ध्यान से सुनना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एड्रेस चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे टैब्स हैं, तो हमको क्या करना है, कम्युनिकेशन इन्फो के ऊपर चले जाना है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन इन्फो के ऊपर चले जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो कम्युनिकेशन इन्फो के ऊपर मैं आ गया। उसके बाद में ID पासवर्ड आ गई और यहाँ पे रीजन लिख देना है चेंज माय करंट एड्रेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रीजन में लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे चले जाना है और जिस जगह आपको चेंजेस करना हो, जैसे कि मोबाइल नंबर चेंज करना हो तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। और जैसे कि मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। अगर आपको ईमेल आईडी चेंज करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और ऑफिशियल मोबाइल नंबर चेंज करना है, अगर आपके पास दूसरा है ऑफिस का नंबर तो ठीक है, अदरवाइज इसी को रन देना है। यहाँ पर जैसे जैसे आप क्लिक करोगे वैसे वैसे ये ऑप्शन एबल हो जाएगी, अभी ये डिसेबल है। आपको ऑफिस की जो ईमेल आईडी है वही है कि चेंज करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर फिर OTP जो रिसीव आएगा वो ऑफिस में आएगा कि आपके पर्सनल नंबर पे आएगा, तो यहाँ पर पर्सनल मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, पर्सनल मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रेजेंट एड्रेस दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर एक दो दोस्तों हो, ये परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है। तो दोस्तों मेरे दो एड्रेस है और ये परमानेंट अलग है और प्रेजेंट एड्रेस अलग है जो कम्युनिकेशन के लिए है। अगर आपके दोनों एड्रेस अगर एक ही है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर वो खुल गया है। और ये यस करने के बाद में यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन परमानेंट एड्रेस दोनों एक है, ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे दोनों एड्रेस अलग अलग है, हो सकता है आपके भी अलग हो या एक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपना यहाँ पर जो एड्रेस लाइन 1 दिख रहा है यहाँ पर मैं अपना एड्रेस जो चेंज कर दूंगा, और आपको जो चेंज करना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। एड्रेस लाइन नंबर 2 यहाँ पर भी आपको एड्रेस के जो जैसे कि सिटी है, सिटी नेम है विथ पिन कोड के साथ आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर दोस्तों स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, और यहाँ जिस सिटी में रहते हो वो सिटी का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पूरा एड्रेस कम्युनिकेशन का प्रेजेंट एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, इसलिए मैं एडिट होल एड्रेस के ऊपर राइट कर दिया है और यह पहले से आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको वो देना ज़रूरी रहता है जो 500 KB से कम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आईडी खोलने के पहले आपको जो भी एड्रेस प्रूफ के लिए दोस्तों आपके पास 500 KB के अंदर का PDF फाइल होना ज़रूरी है, जिसके ऊपर जो एड्रेस आप लिख रहे हो घर का वो यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चूज फाइल है यहाँ पर आपको
क्लिक कर देना है और जो भी आपका एड्रेस है, जो पीडीएफ है, जैसे उदाहरण के तो जैसे ये पीडीएफ है दोस्तों, तो इस पीडीएफ को वैसे कोई भी पीडीएफ हो जिसके ऊपर एड्रेस है, इस तरह से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। वो फाइल अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर दिख जाएगी आपको दोस्तों। और फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो चेक्स बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो राइट का निशान इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद में ये जो आपने जो काम किया है एड्रेस चेंज करने का, ये जाएगा आपके डिवीज़न में। और डिवीज़न में जाने के बाद में वहाँ के जो बाबू है, वेरीफाई अथॉरिटी है, एक्सेस अथॉरिटी है, ये तीनों लोग ओके करेंगे तभी आपका एड्रेस चेंज होगा। तो दोस्तों मैंने मेरा एड्रेस पहले से चेंज कर चुका हूं और दोस्तों साथ में मैंने HRMS के टैब से बहुत सारे काम किए हैं और आपको भी बता रहा हूं। अगर अभी आपको बाबू को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो काम आप स्वयं अपने ही मोबाइल से कर सकते हो। तो दोस्तों ये काम मैं भी कर रहा हूं, इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूं कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं अपने मोबाइल से ये एड्रेस चेंज करने का काम, मोबाइल चेंज करने का काम, बेसिक पेज चेंज करने का काम हो, फ़ोटो लगाने का काम हो, चाहे नॉमिनेशन का काम हो, तो दोस्तों यहाँ पर इतने सारे टैब्स है, ये बेसिक इन्फो आपको जो भी चेंज करना हो। लेकिन एक बात है, जो चेंज करने के समय में दोस्तों आपको गलत कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है या आपके ऊपर DR लग सकता है। तो ये HRMS कैसा कहता है और उसके नीचे लिखा भी आता है कि भाई आपने जो भी गलत अगर इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपके ऊपर DR चल सकता है। इसलिए जो भी आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे वो उसका प्रूफ ज़रूर दे, वो 500 KB के अंदर का हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप ये HRMS के ESS की टैब से आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब प्रेजेंट एड्रेस चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके मन में HRMS से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।